दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके थ्रू हम लोग बोर्ड मास एक बेसिकली एक फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड है, जो भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेलवे का आपको सिलेबस का रूबरू कराना चाहता हूँ। तो नंबर सिस्टम में हम लोग मैथमेटिक्स का स्टार्ट किए, जिसमें नंबर सिस्टम का मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अपने चैनल पांडे गुरुजी में अपलोड कर दिया हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे जाइए और मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट में अब जाइए, मैथमेटिक्स के अंदर जाइए, यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म जो नंबर सिस्टम में यूज होता है, उसके बाद नंबर सिस्टम से किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने अपने चैनल पांडे गुरुजी में अपलोड कर दिया हूँ। तो हमारे चैनल पांडे गुरुजी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि बेल बटन से आपको नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचेगी। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है वो और असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का, तीनों का जो सिलेबस सेम है, तो आपको ये सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास से किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं और इसमें बोर्ड मास होता क्या है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारे वीडियो मटेरियल, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, मैं अपने चैनल पांडे गुरु जी पे डेली अपलोड करता हूँ। तो वीडियो को, हर एक वीडियो को आप सीरियल वाइज जाएँ यहाँ पे और सिर्फ वीडियो को देखें। तो चलिए, ज़्यादा वेस्ट टाइम करने से अच्छा नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास होता क्या है। तो जो बोर्ड मास का जो स्टैंडर्ड होता है, वो एक स्टैंडर्ड है जो यूएस में, सॉरी इंडिया में फॉलो किया जाता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो सिंपली कोई भी सिंप्लीफिकेशन के लिए एक वे होता है, जिसको हम लोग बोर्ड मास बोलते हैं। तो बोर्ड मास का जो स्टैंडर्ड होता है, बोर्ड बी फोर होता है ब्रैकेट, बी फोर ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स आप जो भी स्मॉल ए ब्रैकेट होता है, ए ब्रैकेट होता है, जो भी छोटा ब्रैकेट होता है, तो जितने भी ब्रैकेट होता है तो उसमें एक सीरियल वाय होता है। एक क्या होता है, टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन होता है। तो इसमें जितने भी आता है तो ये सबसे पहले ये फॉलो किया जाता है। उसके बाद होता है ऑर्डर ऑफ नंबर इन्वॉल्व पावर ऑफ स्क्वायर रूट, मीन्स आप एक्स स्क्वायर हो गया, रूट एक्स हो गया, तो इसके बाद ब्रैकेट रहेगा तो उसको इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद होता है डिवीजन, उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद होता है एडिशन, उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास को फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जब भी क्वेश्चन में रहेगा या उसमें ब्रैकेट रहेगा या रूट एक्स रहेगा या डिवीजन डिवीजन रहेगा या मल्टीप्लिकेशन रहेगा या एडिशन रहेगा या सब्ट्रैक्शन रहेगा, तो ये सारे चीज़ में आपको सबसे पहले किस पार्ट को सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास। और बोर्ड मास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्जामिनेशन नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन या मैथमेटिक्स का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको बताते हैं कि बोर्ड मास सिर्फ कहाँ कहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो जितने भी कंट्री हैं, जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं, सभी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए अलग अलग रूल अप्लाई करते हैं। तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि बोर्ड मास से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आप और आपको एक एग्जाम्पल दे के बताऊँगा कि बोर्ड मास के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको स्पीडली सॉल्व कैसे करेंगे आप मैथमेटिक्स में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एडिशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन के पहले बाद एडिशन आता है, बट आप एडिशन पहले कर देंगे तो रिजल्ट रॉन्ग आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए बोर्ड मास का जानना बहुत ही ज़रूरी है।
तो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज एक बताते हैं बोर्ड मास के बारे में, क्योंकि इन यूनाइटेड स्टेट में आपको जैसे बताया था कि हर एक कंट्री का एक अपना अपना रूल होता है, तो जो यूनाइटेड स्टेट है वो क्या फॉलो करता है, पेड मास। पेड मास इज कॉमनली स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड कनाडा एंड न्यूजीलैंड क्या फॉलो करता है, बेड मास, स्टैंडर्ड फॉर ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। मोस्ट कॉमनली इन यूके एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर बोर्ड मास। तो कौन कौन सा कंट्री बोर्ड मास फॉलो करता है, वो करता है यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 300 कंट्री है जो बोर्ड मास को फॉलो करता है। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री क्या फॉलो करता है, बोर्ड मास भी, अफ्रीकन जो कंट्री होता है वो भी बोर्ड मास ही फॉलो करता है। इन द यूके यू स्टैंड फॉर ब्रैकेट इन से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली बोर्ड मास हुआ। तो ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन बता दिया, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जब हम लोग बोर्ड मास पढ़ रहे हैं तो कभी कभी टर्म आता है पेड मास, तो इसको पता होना चाहिए। तो आपको आपको एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें सारे कवर किया हुआ है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा डेसिमल फ्रैक्शन का। उसके बाद मैं एनालॉजी का भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ अपने चैनल पांडे गुरुजी पे, तो आप उसको भी नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देखें। उसके बाद मैं अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज प्रोवाइड करूँगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। मैं फिजिक्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का अपलोड कर दिया हूँ। मैं केमिस्ट्री का भी अब जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, और लाइफ साइंस का भी, और जीए भी, जनरल अवेयरनेस भी मैं अभी करंट अफेयर कुछ अपलोड करने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कि बोर्ड मास में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा बोर्ड मास का एक छोटा सा, एक बड़ा सा एग्जाम्पल जिसमें सारी चीज़ कवर है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में जो जो बी से ब्रैकेट ऑफ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ब्रैकेट यूज किया हुआ है, एक कर्ली ब्रैकेट, एक छोटा स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद ऑर्डर मीन्स जो भी स्क्वायर जो अभी बताए थे एक्स स्क्वायर, वो भी यहाँ पे स्क्वायर यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिवीजन, उसके बाद क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में सारे बोर्ड मास का टॉपिक कवर्ड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि टॉप टू बॉटम बोर्ड मास होता है, तो ब्रैकेट सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो 260 इसको सॉल्व 264 को 8 से डिवाइड करके कितना हुआ, 33 इंटू इंटू क्या हुआ, 33 आया, इंटू क्या हुआ 3 माइनस 69 का होल स्क्वायर। तो हम लोग अभी सिर्फ ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं। 33 इंटू 3 क्या हुआ, 99 माइनस 69, 99 माइनस 69 क्या हुआ, 30 का होल स्क्वायर। उसके बाद एक और ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को अब हम लोग इस पे जाएंगे। तो 1800 प्लस 30 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 900। तो उसके बाद कितना हुआ, 1800 को 900 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ऑफ मीन्स क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके लिए 240 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू 2 हुआ। तो उसके बाद ब्रैकेट ऑर्डर, उसके बाद क्या, उसके बाद बी ओ ए, उसके बाद क्या होगा सॉल्व बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। ये यहाँ 2 2 खत्म हो गया तो क्या हुआ 1। तो 240 डिवाइडेड बाय 8 30, 512 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, तो उसके बाद क्या होगा 5 1 3 4 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। उसके बाद 4 से डिवाइड होगा 5 1 3 4 को, तो क्या होगा 3 8 4 0 प्लस 1। तो ये बेसिकली हम लोग बोर्ड मास का जो रूल है अप्लीकेबल है, उसके थ्रू एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है तो जिसमें एडिशन, जिसमें डिवीजन,
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, ये सारे चीज इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था बोर्ड मास का। आपको और कुछ क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा बोर्ड मास से कि किस टाइप का शॉर्ट ट्रिक्स आपको कोई भी कम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशन, वो मैं कवर करूंगा जब हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको बताऊंगा कि किस कैसे क्वेश्चन को आपको इजीली सॉल्व करना है। आप इतने सारे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े क्वेश्चन को आप मिनिमम टू या मैक्सिमम थ्री, टू या थ्री स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे। टू स्टेप में सॉल्व करने के लिए कोशिश करें ताकि आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आप आपको बहुत ही फास्ट करना ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन पार्ट पार्ट को आपको काफ़ी स्पीड रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्क्वायर इसके लिए आपको स्क्वायर स्क्वायर आपको अप टू मीन्स मिनिमम तो 30 तक आपको याद करना पड़ेगा। क्यूब रूट भी कम से कम 25 तो या 20 तक क्यूब रूट भी रखिए, या टेबल आप 1 से लेके 30 तक पूरे अच्छे तरह से लिखिए, याद रखिए, ताकि आप इजीली कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकें। मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन भी इजीली कर सकेंगे टेबल में याद रखने से। और कोशिश करें कि कम से कम पेपर पेन का यूज करें जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपने माइंड में सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस स्टेप में यहाँ पे आप जैसे डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवीजन करने के बाद एक स्टेप में 33 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही 1969 से आप माइनस कर सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो स्टेप आया वो यहाँ से तीन स्टेप आना ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बोर्ड मास का। आपको कुछ ट्रिक्स दिए तो आप इस चैनल में बने रहिए हमारे साथ, और आप जैसा प्यार दिखा रहे हैं वैसे दिखाते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं बहुत ही जल्द कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बार में एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में एक जीके सेक्शन है जो जनरल नॉलेज है वो आप हटा दिया गया है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे आप जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है, तो आप जनरल नॉलेज पे ज़्यादा नहीं पढ़ें, क्योंकि उस पहले क्या होता था कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते थे, तो वो सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।